नमस्कार दोस्तों, जय फ्यूचर मेकर, जय राधे श्याम। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 2 या 3 दिन बाद फिर से आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। वो भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, जिसको देख के आपको भी हैरानी होगी कि इतना कुछ होने के बाद भी कंपनी का स्टेटस आप चेक करोगे, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर चेक करोगे। मैं आप पास को आज आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि वो कैसे है, उसका स्टेटस क्या है क्या नहीं। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे जैसे कि उनमें भी विश्वास बना रहे कंपनी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले जय फ्यूचर मेकर, जय राधे श्याम। अब बात करते हैं शुरुआत। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इंडियन इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसके ऊपर आज मैंने फ्यूचर मेकर कंपनी का स्टेटस चेक किया। तो वहाँ देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जो कंपनी, जिस कंपनी पे इतने इल्ज़ाम भी लगा रही है सरकार, और उसके बाद भी लिस्टेड कंपनी है, वो फ्यूचर मेकर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी हमारे फ्यूचर मेकर के भाई है, उनके लिए खुशी की खबर है। क्योंकि कंपनी को अनलिस्टेड करना या फिर एक्टिव से डीएक्टिव करना, वो सरकार के अभी बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें अभी कुछ नहीं कर सकती। मैंने आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की वेबसाइट पे कंपनी का एलपीपी मास्टर डाटा होता है वो चेक किया। उसमें आप दे सकते हो सीन नंबर, ये दे रखा है, कंपनी नेम है फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और इसके बाद है ROC कोड, ये कोड होता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है 054726। कंपनी की कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, कि जैसे कि आप पैसे जमा करते हो तो वो आप उसके शेयर होल्डर होते हो। कंपनी कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, और क्लास ऑफ कंपनी वो है प्राइवेट। उसके बाद है ऑथराइज कैपिटल दे रखा है, और पेड अप कैपिटल दे रखा है। इसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेबल है, या एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, कि मान लो विदाउट शेयर हो तो इसमें कितने कैंडिडेट हो रहे हो, वहाँ उसमें इसने 0 दिखाया है। उसके बाद है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि डेट ऑफ कॉर्पोरेशन की इस बिजनेस में कंपनी कब आई थी, ये आई थी 26/5/2015 को। रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, DSS 45, रेड स्केयर मार्केट, हिसार, हरियाणा। पिन कोड दे रखा है 12/50/01। इसके बाद इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है फ्यूचर मेकर लाइफ केयर इंडिया लिमिटेड की। और इसके बाद वेयर लिस्टेड और नॉन लिस्टेड, यहाँ अनलिस्टेड है कंपनी। इसके बाद है स्पेशलाइज एट स्टॉक एक्सचेंज में है नहीं। डेट ऑफ लास्ट AGM कब हुई थी, 28/9/2017 को, पिछले साल 9वें महीने में हुई थी AGM। और इसके बाद है डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कब हुई थी, 21/3/2017 को। और कंपनी का अब जो अच्छी चीज़ देखने की बात है, जिसके लिए हम देख रहे हैं, कंपनी का स्टेटस अभी फॉर इफेक्टिंग, तो अभी क्या चल रहा है, लास्ट लाइन में देखिए कंपनी स्टेटस, तो वो है अभी तक एक्टिव। दोस्तों, इतना बड़ा केस हो चुका है, इतना बड़ा केस दिखा रहे हैं, और ये अभी स्टेटस एक्टिव है। इससे पता लगता है कि कंपनी पूरी तरह इलीगल है, इलीगल कुछ नहीं है। अगर कंपनी इलीगल होती तो ये स्टेटस एक्टिव नहीं होता, बहुत ही पहले डीएक्टिव कर देते या इसके स्टेटस को उड़ा देते। तो ये दोस्तों सबसे पॉजिटिव बात है। इसके बाद दोस्तों, एक्टिव के बाद लास्ट में होता है डायरेक्टर या सिग्नेटरी डिटेल। इसमें सभी के पिन नंबर दे रखे हैं, बंसी लाल जी के दे रखे हैं, राधे श्याम जी के दे रखे हैं। बंसी लाल 26/2/2018 को स्टार्टिंग डेट है। उसके बाद जो एक कोड आया है पिन नंबर, वो 13/12/2017 को है, और राधेश्याम जी का भी 26/5/2015 का ये कोड है। दोस्तों, आप ये वेबसाइट दे रखी है www.mca.gov.in, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये वेबसाइट है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, जो जितने भी कॉरपोरेट हैं उनकी डिटेल यहाँ आप चेक कर सकते हो, उसका स्टेटस क्या बोलता है तो वहाँ से चेक कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर कोई कंपनी इस तरह का कार्य करती है, गलत इलीगल कार्य करती है, तो उसका स्टेटस डीएक्टिव कर दिया जाता है, और कंपनी का यहाँ से स्टेटस ख़त्म करके लगभग
या अगर यहाँ से स्टेटस डीएक्टिव हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो वो कंपनी लगभग समझो अपने लास्ट दिनों में आ चुकी है और समाप्त होने के नज़दीक है, या उस कंपनी ने इलीगल काम किया था। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपके पास जो भी माध्यम है उससे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनका विश्वास बनेगा कि कंपनी का स्टेटस अभी एक्टिव है और जल्द ही फिर से शुरू होगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय फ्यूचर मेकर, जय राधेश्याम।